हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक। आई विल यू ऑल विल बी सेफ एंड फाइन एट योर होम। टुडे वी कंटिन्यू द चैप्टर ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। टुडे आवर टॉपिक इज डिवीजन ऑफ इंटीजर्स इन लेसन नंबर 2। लुक हियर, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। देखिए, लास्ट ऑनलाइन वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में जानकारी देखी। उसमें देखा हमने कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कौन सी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ वन पॉजिटिव, एक पॉजिटिव नंबर और सेकेंड पॉजिटिव निगेटिव नंबर, मतलब वन निगेटिव नंबर और वन पॉजिटिव नंबर, दोनों का प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन हमेशा निगेटिव आता है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू निगेटिव इंटीजर्स, अगर दो निगेटिव इंटीजर्स थे, दो निगेटिव इंटीजर्स है, अगर उनका मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। अब हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानकारी देखी, अब हम देखेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। देखिए यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, वी हैव लर्न्ड हाउ टू डिवाइड वन पॉजिटिव इंटीजर बाय अनदर। हमने पिछले ईयर में देखा कि एक पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से कैसे डिवाइड करते हैं, वो हमने लास्ट ईयर में देखा। वी ऑल्सो नो दैट द कोशंट, और हमें ये भी मालूम है कि कोशंट ऑफ सच डिवीजन, ऐसे डिवीजन्स के कोशंट, मतलब जो भागाकार होता है या जो आंसर होता है, मे बी एन इंटीजर और फ्रैक्शन। वो क्या होता है, इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 6/2, मतलब वो कैसे लिखते हैं, 2 से हमें 6 को डिवाइड करना है, 6/2, यानी कि 6/2 = 3, मतलब 2 3 = 6। 5/3 इज इक्वल टू 5/3 इज इक्वल टू, सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, नेक्स्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जैसे कि 3 1 = 3, 3 + 2 = 5, 5/3। ऑन द नंबर लाइन वी कैन शो निगेटिव इंटीजर्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द जीरो। हमें नंबर लाइन पर कौन से नंबर कहाँ पे लिखे जाते हैं वो हमें पता है, क्या जीरो के लेफ्ट में हमेशा निगेटिव इंटीजर्स लिखे जाते हैं और जीरो के राइट में हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे जाते हैं। वी कैन शो पार्ट्स ऑफ इंटीजर्स ऑल्सो इन द सेम वे। अब इसी तरीके से हम इंटीजर्स के पार्ट्स भी नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ की गई है, वहाँ पे जीरो के लेफ्ट में निगेटिव इंटीजर्स है और राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दिन नंबर्स -5/2, -3/2, 3/2, 5/2, हमें ये सारे फ्रैक्शन हमें नंबर लाइन पर शो करने हैं। नोट दैट -1/2, 1/2, 3/2, -3/2, -5/2, 5/2 आर म्यूचुअली अपोजिट नंबर। मैंने आपको लास्ट ऑनलाइन वीडियो में बताया था कि पॉजिटिव नंबर्स किसे कहा जाता है, एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होता है, इसलिए उन्हें अपोजिट नंबर कहा जाता है। अब देखिए, दैट इज 1/2 प्लस -1/2। देखिए अब 1/2 पॉजिटिव इंटीजर है और -1/2 निगेटिव इंटीजर से, इसलिए इन दोनों की एडिशन हमेशा जीरो आएगी। 3/2 प्लस -3/2 जीरो, -5/2 प्लस 5/2 इज इक्वल, मतलब कौन से भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स की एडिशन हो वो हमेशा क्या आती है, जीरो ही। पेयर्स ऑफ अपोजिट नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड पेयर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स नंबर। देखिए अपोजिट नंबर्स के पेयर्स को एडिटिव इनवर्स नंबर्स कहा जाता है। वी हैव सीन दैट -1 × -1 इज इक्वल टू +1। मल्टीप्लीकेशन में बताया, नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव होता है। इफ द टू साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन आर डिवाइडेड बाय, अगर इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को अगर हमने -1 से डिवाइड किया, वी गेट द इक्वेशन -1 = 1/-1। Therefore, the quotient of the division is 1/-1 = -1. Hence, we see that 6 × -1 is equal to 6 × 1/-1 is equal to 6/-1. To divide any positive integer by a negative number,
कौन से भी पॉजिटिव इंटीजर को निगेटिव इंटीजर से कैसे डिवाइड करते हैं, देखिए 7/-2 इज इक्वल टू, अब 7/2 को अब एडिटिव निगेटिव इंटीजर्स मतलब क्या, 1/2 से हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। अब 7/-1/-1/1/2 इज इक्वल टू 7/1 × -1 × 1/2 इज इक्वल टू 7/-1/2 इज इक्वल टू -7/2। डिवाइड एनी निगेटिव इंटीजर, अब निगेटिव इंटीजर को निगेटिव इंटीजर से कैसे डिवाइड करते हैं, देखिए -13/-2, अब दोनों की जो नेगेटिव साइन है वो कहाँ पे होगी, 1 को ट्रांसफर होगी, यानी कि -1/-1 × 13/2। अब -1/-1 वैसे के वैसे रहेगा, 13 भी वैसे के वैसे, 13 हम साइड में करेंगे और 2 को हम 2 का कन्वर्जन हम 1/2 ऐसा लिखेंगे। इसलिए -1 × -1/1 और 13/2 साइड में आएगा, 1/13 इज इक्वल टू 13/2। सिमिलरली वेरीफाई दैट -25/4 इज इक्वल टू 25/4, -18/-2 इज इक्वल टू 18/2। मतलब डिवीजन में भी निगेटिव निगेटिव का डिवीजन हमेशा पॉजिटिव होता है। दिस एक्सप्लेन्स द डिवीजन ऑफ निगेटिव इंटीजर। व्हेन वन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अनदर नॉन जीरो इंटीजर, अगर एक इंटीजर ने दूसरे नॉन जीरो इंटीजर को डिवाइड किया तो इट इज कस्टमरी टू राइट द डिनोमिनेटर, तो हमेशा उसका जो डिनोमिनेटर होता है, द डिनोमिनेटर ऑफ द क्वोशेंट एज ए पॉजिटिव, तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो पॉजिटिव इंटीजर के क्वोशेंट में लिखा जाता है। हेंस वी राइट 7/-2 इज इक्वल टू -2/7 एंड -11/-3 इज इक्वल टू 11/3। देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या है, नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे डिवीजन के रूल्स दिए गए हैं। क्या है वो रूल्स, देखिए द रूल्स ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स आर लाइक द रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के रूल्स है उसी तरीके से क्या है डिवीजन के भी रूल्स है। वी कैनॉट डिवाइड एनी नंबर बाय कौन से भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं किया जा सकता। The quotient of two positive integers, कौन से भी दो positive integers का division और quotient हमेशा positive आता है। The quotient of two negative integers, दो negative integers की division हमेशा positive आती है। और अगर the quotient of a positive integer and a negative, अगर एक integer positive है और एक integer negative है तो दोनों का division हमेशा negative ही आता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन के रूल से उसी तरीके से क्या है डिवीजन के भी रूल से। ओके देखिए यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिस सेट 9 दिया गया है, उसमें आपको 4 क्वेश्चन से नीचे एक एक्टिविटी दी गई है, वो एक्टिविटी और एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है समझने में तो आप क्या करने हैं, मुझे कॉल करके मुझे पूछना है। ओके